नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम, आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। उत्तराखंड में करीब 15 आईपीएस के तबादले हुए हैं। अमित सिन्हा आईजी फायर सर्विस बने हैं। आईजी एपी अंशुमान को पुलिस दूरसंचार का अतिरिक्त प्रभार बना दिया गया है। पूरन सिंह रावत आईजी बने, मानवाधिकार का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। एसएसपी अरुण मोहन जोशी देहरादून के डीआईजी बने हैं। अजय सिंह एसपी कार्मिक बने हैं। नवनीत सिंह बने हैं एसपी रुद्रप्रयाग। रामचंद्र राजगुरु बने हैं एसपी हल्द्वानी। प्रीति प्रियदर्शनी बनी है एसपी पिथौरागढ़। रचिता जुयाल बनी है एसपी बागेश्वर। तो उत्तराखंड में करीब 15 आईपीएस के तबादले हुए हैं। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, क्या और भी नाम इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि लगातार अभी जिस तरह से अभी इस साल के अंत में जो पुलिस अफसर हैं और खासकर जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी यानी आईएएस अधिकारी हैं, उनकी डीपीसी कल हुई है। ऐसे में कई अफसर पदोन्नत हुए हैं, खासकर दो आईएएस अधिकारी हैं और साथ ही एक दर्जन के करीब पुलिस के अधिकारी हैं जो पदोन्नत हुए हैं और साथ ही साथ उनके कार्यभारों में भी फेरबदल किया गया है। ऐसे में 13 आईपीएस अफसरों को के स्थानांतरण किए गए हैं, तबादले किए गए हैं। साथ ही साथ जो एएसपी है उनको भी उनके भी तबादले किए गए हैं। तो ये बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए हैं और लगातार पदोन्नत होने के बाद में ये ट्रांसफर किए जाते हैं। और आज भी जिस तरह से लगातार एक दर्जन के करीब जो आईपीएस अफसर हैं उनको जिम्मेदारी दी गई है, तबादले किए गए हैं। तो खासा ये एक रूटीन ट्रांसफर है और पदोन्नत होकर जिस तरह से इनको ट्रांसफर किया गया है तो ये एक बड़ी बात है और बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किए गए हैं। दीपिका, चलिए बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस जानकारी के लिए। तो पूरन सिंह रावत मानवाधिकारी के आईजी बने हैं, साथ ही एसएसपी अरुण मोहन जोशी देहरादून के डीआईजी बने हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर नागरिकता कानून के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस देहरादून के परेड मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन कर रही है। जहां इस रैली में प्रदेश के कांग्रेसी नेता एक साथ एक मंच पर जुटेंगे। रैली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी शामिल होंगे इस रैली में। तो वहीं साथ ही भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा की भी बड़ी बैठक होगी। इस बैठक में सांसद, मंत्री, विधायक और पार्टी पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, नागरिकता कानून के समर्थन में लोगों को जागरूक करने के लिए भाजपा संगठन ने एजेंडा तैयार किया है। अगले 15 दिनों तक लोगों को घर घर जाकर नागरिकता कानून के बारे में जानकारी देंगे और जो भी लोगों के मन में आशंकाएं हैं, दुविधाएं हैं, जो भी उनके सवाल हैं, उन समस्याओं को, उन सभी चीजों का जवाब भी तमाम नेता देंगे। तो एक तरफ कांग्रेस पार्टी रैली करने जा रही, तो दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा की भी एक बड़ी बैठक है। परेड मैदान में उत्तराखंड कांग्रेस की बड़ी रैली एक तरफ हो रही है और एक मंच पर कांग्रेस के बड़े नेता जुटेंगे। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस रैली में शामिल होंगे। तो दूसरी तरफ भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर भाजपा की बैठक, जहां पर भाजपा की यही कोशिश है कि नागरिकता कानून को लेकर के लोगों की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर किया जाए। अपने अपने जिले में जाकर के जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, वो लोगों से बातें करें और लोगों से भी यही अपील की जा रही है कि किसी भी तरीके के भ्रम में ना पड़े। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, एक तरफ कांग्रेस पार्टी की रैली होने जा रही है, काफी बड़ी रैली जिसमें कांग्रेस पार्टी के कई नेता जुटेंगे, रैली को लेकर के क्या अपडेट है? दीपिका, देखिए, जिस तरह से एनआरसी को लेकर के देश का मिजाज है, उसी तरह का मिजाज उत्तराखंड में भी है। तो उत्तराखंड में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अपनी अपनी बातों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं, पब्लिक को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी जद्दोजहद इसी बात को लेकर के है कि कौन कितने बेहतर तर्क देकर पब्लिक को कन्विंस कर सकता है। तो इसी क्रम में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उत्तराखंड का संगठन है, तो उनके अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने एक आज रैली का एक आयोजन किया है और शायद ये कांग्रेस
हाईकमान की तरफ से सभी प्रदेश संगठनों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो फैसला है पब्लिक को जाकर बताए कि ये ठीक नहीं है, तो उसी क्रम में कांग्रेस पार्टी आज एक बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है। दावा किया गया है कि इसमें हजारों लोग जुटेंगे और ये रैली परेड ग्राउंड से शुरू होकर के और ये कांग्रेस भवन तक जाएगी, तो इसी को लेकर के पूरी तैयारी इनके पिछले कई दिनों से चल रही है। एक शांतिपूर्ण फ्लैग मार्च होगा कांग्रेस का। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च करेंगे और हम बताएंगे पब्लिक को कि एनआरसी पर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, जो फैसला लिया है, वो तर्कसंगत नहीं है, वो जनहित में नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह का ये भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी फैसला लेने में एक भेदभाव की नीति अपना रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी भी धर्म, जाति, विशेष समुदाय का कोई ऐसा मतलब फेवर नहीं लिया जाएगा, लेकिन इसमें मुस्लिमों को छोड़कर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको, उसकी भावना को ही आहत किया गया है। और ये एक रैली आज ये कांग्रेस का एक ये भी मानदंड तय करेगी कि कांग्रेस के साथ इसमें कितने लोग हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रदर्शन हो रहे हैं वो सब मुस्लिम समुदाय के लोग ही कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को इस एनआरसी रजिस्टर से बाहर रखा गया है। तो जो एक चीज़ ये क्लियर हो जाएगी कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, जो मूल कैडर है उनका, वो कितना उसमें उत्साह के साथ शामिल होता है। इसके ठीक बाद दोपहर में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदेश मुख्यालय पर एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष होंगे, सांसद होंगे, मंत्री होंगे, विधायक होंगे, तमाम पदाधिकारी होंगे, तो वो एक रणनीति बनाएंगे। आज जिस तरह से कांग्रेस की एक रैली हो रही है, कल भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की एक जवाबी रैली कल करने जा रही है। तो ये कल जो रैली होगी भारतीय जनता पार्टी की, उसी को लेकर के आज ये बैठक है और वो एक संघ का एक प्रोजेक्ट है। संघ ने उसके पीछे संघ खड़ा है। संघ चाहता है कि एक अवेयरनेस लाकर पब्लिक को ये बताया जाए कि एनआरसी किस तरह से हमारे देश के लिए उचित है। तो ये अभी यहाँ उत्तराखंड में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि एक का शक्ति प्रदर्शन आज है और भारतीय जनता पार्टी का कल है। जी दीपिका, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी की इस रैली को लेकर के सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किस तरीके से किए गए हैं और साथ ही प्रशासन का क्या कुछ कहना है इस रैली को लेकर के, अजय? नहीं, इसमें देखिए जो पुलिस प्रशासन है उसने यहाँ जो पीएसी की जो कई कंपनियाँ यहाँ लगा दी है, जो लोकल पुलिस है वो यहीं रहेगी। जो बाहर के जो थाना अध्यक्ष हैं, शहर से बाहर के जो थाना अध्यक्ष हैं, जो फोर्स है देहात का, उसको भी आज यहाँ एहतियात के तौर पर बुला लिया गया है। तो सुरक्षा व्यवस्था के पूरे इंतजाम पीएचक्यू की तरफ से भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है, पूरे इंतजाम किए गए हैं। तो मुझे लगता है कि चूँकि कांग्रेस खुद ही कह रही है कि हम केवल फ्लैग मार्च करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई अनहोनी की कोई आशंका भी हो सकती है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अजित आपका इस जानकारी के लिए। लगातार अपडेट्स हम आगे भी आपसे लेते रहेंगे। शुक्रवार को नागरिकता कानून को लेकर हरिद्वार में लोगों ने प्रदर्शन किया। जुमे की नमाज के बाद लोगों ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और इस दौरान लोगों ने इस कानून को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को एक ज्ञापन भी सौंपा। जब तक इसे वापस नहीं लेंगे पूरे देश के अंदर ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलते रहेंगे, प्रोटेस्ट चलते रहेंगे और हम लोगों को अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़े इस काला कानून के लिए, तो हम जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। तो नागरिकता कानून को लेकर कोटद्वार में स्थानीय संगठन के विरोध जताया। यहाँ पर हालांकि पुलिस और प्रशासन की तरफ से रैली निकालने की इजाजत नहीं थी, जिस वजह से प्रदर्शनकारी रैली नहीं निकाल पाए। देवभूमि विचार मंच कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड सेवा में श्रीमान रामनाथ गोविंद जी महामहिम राष्ट्रपति महोदय नई दिल्ली। विषय नागरिकता और नागरिकता कानून पर हो रहे बवाल के बीच जुमे की नमाज के दौरान देहरादून में अमन और चैन की दुआ मांगी गई। मुल्क में का भाईचारा जो है ना किस हद तक मतलब ये ख़त्म हो रहा है महज एक कानून नाफिज करने के लिए। जब मुल्क के अंदर फसादात और कत्ल गारत वगैरह हो रही है और घर के घर तबाह हो रहे हैं, तो इस सिलसिले में हमने रोज़े की अपील की ताकि हम रोज़ा रख कर के आज जुमे के दिन जुमा तो नमाज तो हमने पढ़नी है जुमे की, लेकिन जो रोज़े की हालत में पढ़ेंगे
और अल्लाह से दुआ करेंगे कि हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम हो, शांति कायम हो, ताकि सभी लोग चैन और सुकून से रहें। चमोली में उत्तराखंड क्रांति दल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यूकेडी का आरोप है कि नागरिकता कानून के पीछे भाजपा की राजनीतिक मंशा है। यूकेडी का कहना है कि वो इस कानून का विरोध करती है। इसको लेके थोड़ा बोलूंगा, उसके बाद यहाँ के लोकल समस्या को लेके हमारे जिला अध्यक्ष जी विस्तार पूर्वक यहाँ पर रहने का अपना वोट बैंक बढ़ाने का। और हल्द्वानी में बीबी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। वैन बसेरों में शराब की बोतलें मिलने का मामला सामने आया। नगर निगम के मेयर ने खबर पर संज्ञान लिया है। स्वास्थ्य अधिकारी नगर आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो इस खबर को एबीपी गंगा ने दिखाया, उसके बाद मेयर ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की बात कही। तो एक बार फिर से एबीपी गंगा की खबर का यहां पर बड़ा असर हुआ है। हल्द्वानी में जहां पर रैन बसेरों में शराब की बोतलें मिलने का मामला सामने आया, दूसरी तरफ नगर निगम के मेयर ने इस पूरे खबर पर हमारे दिखाए जाने के बाद संज्ञान लिया और स्वास्थ्य अधिकारी नगर आयुक्त को कार्रवाई के निर्देश भी दिए। दीनदयाल उपाध्याय जो हमारा रैन बसेरा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रैन बसेरा, उसमें आपके द्वारा मुझे जानकारी मिलेगी कि उसमें बोतलें की खाली पड़ी थी। मैं उसको देख बार स्वास्थ्य अधिकारी और नगर आयुक्त से उसको देखने के लिए कहता हूँ। आप संज्ञान में लाए, बढ़िया बात है, लेकिन जहाँ तक उसमें व्यवस्था की बात है, व्यवस्था उसमें बिल्कुल चाक चौबंद है। रजाई, गद्दे, चारपाई, पानी, पेयजल, टॉयलेट इत्यादि लगभग 1 करोड़ रुपये की धनराशि से हमने उसको बनाया है और 100 लोगों को रहने का उसमें प्रबंध भी किया है। और ये मैं मान सकता हूँ कि कोई शरारती तत्व आए हो, पी हो, फिर भी हो, उसको देखता हूँ। अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अंकित, दोषियों पर क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? देखिए दीपिका, आपको बता दें कि जिस तरह की कड़ाके की ठंड लगातार बढ़ रही है और नगर निगम के जो वादे हैं वो खोखले नजर आए हैं, जिस तरह से एबीपी गंगा ने रियलिटी चेक किया और रियलिटी चेक के दौरान जो व्यवस्था देखी वो इस तरह निदराज देखी कि हालत जस के तस पाए गए। वहीं जब रियलिटी के दौरान जब पता गया जब रैन बसेरे जो नगर निगम के द्वारा जो रैन बसेरे हैं उसकी जब रियलिटी चेक करी तो वहां जो फुटेज हमको मिली वो हैरान करने वाली मिली। रैन बसेरे में शराब की बोतलें थी, वहां पार्टियां कराई जा रही थी, जिस तरह से नगर निगम हरकत में आया है और नगर निगम की ओर से एबीपी गंगा को धन्यवाद भी दिया गया और साफ तौर पर इन पर कहा कि जिस तरह के जांच के आदेश दिए हैं उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दीपिका यही उठ रहा है कि रैन बसेरे में इस तरह की हालत क्यों है? आखिर जो रैन बसेरा है आम जनता के लिए है, वो आम जनता के लिए ना होकर वो सिर्फ पार्टी वालों के लिए रह गया है, सबसे बड़ा सवाल यही है। और मेयर खुद कह रहे हैं कि इस पर जांच के लिए हमने आदेश दे दिए हैं, पूरी जो रिपोर्ट आएगी उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। दीपिका चलिए बहुत शुक्रिया अंकित आपका इस जानकारी के लिए। और बाबा शिव का धाम केदारनाथ बर्फ से ढका हुआ है। केदारपुरी में रह रहे सभी लोग गौरीकुंड और सोनप्रयाग लौट गए हैं। फिलहाल केदारनाथ में कोई नहीं है। दरअसल केदारनाथ में तापमान काफी नीचे आ गया है, जिस वजह से पुनर्निर्माण में लगे लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। केदारनाथ में बिजली आपूर्ति भी ठप है और ऐसे में पुलिस के 7 जवान भी वापस लौट आए, जबकि वुड स्टोन के 11 मजदूर भी वापस लौट आए हैं। तो ये तस्वीर देखिए, वहां पर केदारनाथ से सभी मजदूर लौट चुके हैं क्योंकि टेम्परेचर काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। कुछ दिन पहले ही वो माइनस में चल रहा था, लेकिन अब काफी ज्यादा गिरावट तापमान में दर्ज की गई है। तो सभी मजदूर ऐसे में वापस लौट गए हैं क्योंकि बिजली भी ठप है और ऐसे में जो 7 पुलिसकर्मी वहां पर तैनात थे वो भी वापस लौट आए। और जोशीमठ में पुल नहीं होने से लोग जान को जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं। नदी के ऊपर बना पुल 2013 में बह गया था और आज तक पुल नहीं बन पाया, जिस वजह से लोग सीढ़ी लगाकर नदी को पार करते हैं। जो नदी में जो अप्रोच खड़ा कर रखा है वो अप्रोच भी जो है कभी खिसक गया तो पुल नीचे गिर सकता है, क्योंकि पुल के ऊपर जो है मेन रीड जो है जुड़ी हुई नहीं है, मेन जो सबसे बड़ा एंगल है, और पुल को पूरा अधूरा छोड़ के लेबर जा चुके हैं और इस ढंग से जान जोखिम में डाल के
हम लोग सफर कर रहे हैं। और आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में आयोजन होगा। सितारगंज भी जाएंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। मिशन खुशियां फेज टू कार्यक्रम का शुभारंभ भी करेंगे सीएम और एक ऐप भी लॉन्च करेंगे मुख्यमंत्री। तो रामलीला मैदान में कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल होंगे। अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे और उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है जिसमें सितारगंज भी जा सकते हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम भी शामिल होंगे। तो आज नैनीताल के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में ये कार्यक्रम रखा गया है। सितारगंज भी जाएंगे सीएम। रामलीला मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे वो आज। विनोद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, सीएम के इस दौरे को लेकर के क्या और जानकारी हमारे पास? जी देखिए, आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का नैनीताल और उधमसिंह नगर के अनेकों कार्यक्रम का दौरा है और जिसमें आज सबसे पहले वो नैनीताल पहुंचेंगे और जिस तरह से अधिकारियों का के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सबसे पहले वो प्रतिभाग करेंगे। उसके बाद में उत्तराखंड प्रशासन अकादमी नैनीताल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, उसमें वो प्रतिभाग करेंगे। साथ ही दोपहर 1 बजकर सितारगंज पहुंचेंगे। रामलीला मैदान में कार्यक्रम है तो तमाम आज कई ऐसे कार्यक्रम है दोनों जनपदों में, नैनीताल और उधमसिंह नगर में, जिसमें मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। साथ ही साथ उसके बाद में करीब 3 बजे मिशन खुशियां फेज टू कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे और एक ऐप लॉन्च करेंगे। तो तमाम आज के कार्यक्रम हैं और आज दो जनपदों के दौरे पर हैं, उधमसिंह नगर और नैनीताल, और साथ ही साथ अनेकों कार्यक्रम हैं। उसके बाद में ठीक शाम 4 बजे के बाद में देहरादून वापसी है। तो तमाम आज दिन भर उनके कार्यक्रम हैं, लगातार मुख्यमंत्री के ऐसे कार्यक्रम रहते हैं, लेकिन आज दोनों ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जनपदों के। तो निश्चित तौर पर आज करीब 1 दर्जन से ज्यादा इनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए विनोद। शुक्रवार के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत परेड ग्राउंड में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का उद्घाटन किया और इसमें अलग अलग राज्यों से आए कारोबारियों ने स्टॉल्स लगाए। एक्सपो का मुख्य उद्देश्य हथकरघा उत्पादकों को बढ़ावा देना है। इसमें प्रदेश के 50 से ज्यादा उत्पादकों के स्टॉल्स लगाए गए हैं। जो ग्राहक हैं या उपभोक्ता हैं, उनको भी यहाँ पर अनेक राज्यों की जो पहनावे हैं या उनकी जो लोकल शिल्प है वो उनको यहाँ पर चॉइस के मुताबिक मिल जाता है। तो ग्राहकों को भी फायदा है कि उनको अपने पसंद की चीज़ें मिल जाती हैं, अलग अलग स्टेट का पहनावा, वो कपड़े यहाँ पर मिल जाते हैं। शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने कुंभ की तैयारियों को लेकर विधानसभा में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान शहरी विकास मंत्री ने कुंभ को लेकर अब तक किए गए कामों की समीक्षा की। कुंभ की तैयारियों को लेकर के हुई समीक्षा बैठक को लेकर शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक से बात की हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी ने। समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं मैं शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी। आज ही उन्होंने कुंभ की एक समीक्षा की है और कुंभ का कितना काम हो चुका, कितना होना है, अभी उन्हीं से मुखातिब कराते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है। आज आपने कुंभ को लेकर एक बड़ी बैठक की है, सभी अधिकारी कुंभ के यहाँ थे, तो अभी क्या आपने पाया, कितना हम कहाँ तक आ गए हैं, अद्यतन स्थिति हमारी क्या है? देखिए, अभी कुंभ को लेकर जो एक समीक्षा है कि लगभग 500 करोड़ से ज़्यादा का जो वर्क है वो फाइनल हुए हैं और 400 करोड़ से अधिक के इस समय जो स्वीकृतियाँ हुई हैं और 200 करोड़ से ज़्यादा के जियो जारी हो गए हैं। अब इसका काम लगातार सने सने आगे बढ़ रहा है। जो जरूरी काम है, लंबे काम है, एक वर्ष में होने हैं, जैसे कुछ रोड्स हैं, जैसा कवर पटरी का निर्माण है, कुछ पुलों का निर्माण है, कुछ और अन्य इस प्रकार की बड़ी सड़कों का निर्माण है, कुछ सीवरेज का निर्माण है, कुछ पानी के
बड़े ट्यूबवेल बनने हैं, पानी की पाइप लाइनें हैं, उसके लिए अब लगभग आप मानकर चलिए कि वो काम सारे हो गए हैं। अभी आपने केंद्र सरकार को भी पहले तो एक 5,000 करोड़ का एक प्रस्ताव गया था, अभी फिर उसको कुछ संशोधित करके भेजा, समय अवधि भी कम है, एक साल का समय रह गया है। जनवरी में जो मुख्य स्नान होगा उससे पहले काम खत्म होने हैं, तो वो उसमें एक विलंब हो रहा है? नहीं, विलंब नहीं हो रहा, क्योंकि जो जरूरी काम थे, जो अस्थायी प्रवृत्ति के, तो सब कामों की स्वीकृति जारी हो गई है, काम शुरू भी हो गए हैं। अभी क्या है कि हमारे यहाँ अलग प्रकार के काम है, मेले का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है, तो जो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी, इसमें प्रायोरिटी है कि पहले जरूरी काम, फिर सेकंड प्रायोरिटी के काम, फिर अन्य प्रकार के काम, सारे काम रहते हैं। तो भारत सरकार से भी हम लोगों ने अपील की है, हो सकता है भारत सरकार से हमें जल्दी पैसे की उपलब्धता हो जाए, तब वो जो बचे हुए काम है उन कामों को भी हम इसमें टेकअप करेंगे। बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ थे शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक जी, उन्होंने बताया कि सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ संवाद चल रहा है, जल्द ही वहाँ से कोई ना कोई एक ऐसी धनराशि की मंजूरी होगी जिससे कुंभ के कार्यों को गति मिलेगी। कैमरामैन क्रिस्टोफर लॉरेंस के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। उत्तराखंड सरकार ने 7 जनवरी को विधानसभा का सत्र बुलाया है। ये सत्र महज एक दिन के लिए बुलाया गया है, जिसे लेकर विधानसभा सचिव की तरफ से सभी विधायकों को सूचना भेज दी गई है। भारत की लोकसभा ने और भारत सरकार ने एक संविधान में संशोधन करके एक जो SC को एक जो टाइम पीरियड था उसमें 10 वर्ष बढ़ाने की फाइनल किया है, लेकिन ये मैंडेटरी होता है कि जब ये जाएगा तो कम से कम आधे राज्यों में इसको पास होना चाहिए, तो सभी राज्यों को पास करना होता है अपने विधानसभाओं में, तो इसलिए ये एक दिवसीय हमने जो हाउस रखा है, विधानसभा का सत्र रखा है, ये मुख्यतः उसके लिए रखा है, बाकी जो वर्क होगा वो भी फिर। चीन से लगती सीमा को लेकर अब सीमांत इलाकों के एयरपोर्ट का भी इस्तेमाल किया जाएगा, और इसी को लेकर सेना की 12 सदस्य टीम हेलीकॉप्टर से पंतनगर एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसके बाद सेना के अधिकारियों ने एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ बैठक की। दरअसल चीन सीमा से लगते हुए इलाकों में अक्सर घुसपैठ होती रहती है, और ऐसे में सीमांत इलाकों पर नजर रखने के लिए सूबे के एयरपोर्ट को सेना के इस्तेमाल के लिए तैयार किया जा रहा है। हल्द्वानी नगर निगम क्षेत्र में रहने वाले सैकड़ों लोगों ने नगर निगम परिसर में प्रदर्शन किया। लोगों का कहना है कि रेलवे की तरफ से की जा रही कार्रवाई के मामले में नगर निगम की पैरवी करनी चाहिए। बताया जा रहा है कि वन भू पूरा क्षेत्र में रेलवे ने करीब 3700 घरों से जमीन खाली कराने के लिए चिन्हित किया। विषय हमारा ये है कि बनमूलपुरा के कुछ इलाके में रेलवे द्वारा जो अवैध खंभे लगाए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व ने हाथी के मरने के बाद उसे दफनाए जाने पर सवाल खड़े किए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक की माने तो हाथी बाघ की फूड चेन का हिस्सा है। छोटे और कमजोर हाथी को बाघ अपना शिकार बनाता रहा, और इसके साथ ही मरे हुए हाथी को भी बाघ भोजन के रूप में इस्तेमाल करता है, जिसके कुछ फोटोग्राफ जारी किए गए हैं। टाइगर रिजर्व के अंदर एक फूड चेन चलता है, जिसमें कार्निवोर द्वारा जो है या टाइगर्स द्वारा छोटे हाथियों को या हाथी के झुंड में यदि कोई कमजोर हाथी है तो उसको मारने का प्रयास भी किया जाता है। एक फूड चेन, नॉर्मल फूड चेन है, तो इस ऐसे किसी प्रकरण में क्या कार्रवाई की जानी, इस पर हम उच्च स्तर से दिशा निर्देश अवश्य प्राप्त करेंगे। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में फिलहाल इतना ही, ब्रेक के बाद आप जरूर देखें प्रदेश प्लस। सबसे पहले खबरें पाने के लिए एबीपी गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpganga। ट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpganga।